हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माई सेल्फ प्रवीण पटेल, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू। दोस्तों, एनपीओ के वीडियो सीरीज में एक और वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आए हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक आपको बहुत परेशान करता है, यहाँ दोनों तरीकों से सीखेंगे, एक स्टेटमेंट फॉर्म से और एक अकाउंट फॉर्म से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अकाउंट फॉर्म में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा कैसे है। जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर प्रीवियस ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। फिर इस साल जो आपको टोटल मिलेगा बाय बैंक, और जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का था और इस बार जो सब्सक्रिप्शन मिलना था, दोनों जो बकाया रह जाएगा वो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो करेंट ईयर का एडवांस होगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा आपका इनकम इनकर्ड एक्सपेंसेस वह बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि एग्जांपल सभी क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर 2018 एंड 19, मेरा करेंट ईयर क्या है 2018-19। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है आपका 2017-18 के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर 100,000 है। 2018-19 का करेंट ईयर 50,00,000 है, और एडवांस ईयर का है आपका 11 हुआ, यहाँ पर रहेगा आपका 2019 एंड 20, कितना है 50,000। अब ध्यान रखना है कि करेंट ईयर में, मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है 2018-19 में, तीनों मिला हुआ, कितना मिला हुआ है 51,50,000, ठीक है ना। तो 51,50,000 जो मिला है आप यहाँ पे लिख दोगे कितना, 51,50,000, ठीक, क्योंकि तीनों अमाउंट करेंट ईयर मिला है। प्रीवियस ईयर का आइटम, करेंट ईयर का और एडवांस, तीनों मिला के दे दिया, जिसको हम बाइफरकेट किए हैं कि जो पैसा आया है 51,50,000, 100,000 पिछले साल का है, 50,00,000 इस साल का है, और 50,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो ये हो जाएगा टोटल बाय बैंक 51,50,000 तीनों ऐड करके। फिर आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 को है, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा, कितना है आपका 1,30,000, कितना आउटस्टैंडिंग है 1,30,000। फिर एडवांस में है आपका कितना है 45,000, तो एडवांस में 45,000 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डेटा गिवन था उसको मैंने लिख दिया। अब ध्यान रखना 2019-20 का सब्सक्रिप्शन कितना है एडवांस में 50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे एडवांस में कितना 50,000, कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में है 50,000 यहाँ पे चला जाएगा। अब ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर में 1,30,000 बकाया था, जो कि यहाँ पे 1,00,000 मिल गया है, इस 1,30,000 में 1,00,000 मिल गया, तो अभी भी पैसा मेरा बकाया होगा 30,000। 1,30,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जो कि इस बार 2018-19 में 17-18 का पैसा मिल जाता है 1,00,000, तो अभी भी 30,000 आउटस्टैंडिंग है। तो इन सभी को हम अगर ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाएगा टोटल 51,45,000, टोटल कितना हो जाएगा सर, इतना स्किप कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 51,95,000, टोटल ऐड करेंगे तो 52,25,000 होगा। इस साइड का आपका ऐड करेंगे तो 52,25,000 माइनस इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 1,80,000। अब 1,80,000 का डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 50,45,000, कितना आएगा 50,45,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा 50,45,000। एक अकाउंट फॉर्म होगा, देखो करना क्या है आपको, कितना आपको पैसा मिला 50,00,000 और 51,50,000 मिलेगा बाई बैंक में लिख दोगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साइड लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। अब इस साइड आता क्यों है, इसका रीजन है। रीजन क्या है, जब आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, क्या एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब अगर कि यही पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या लिखेंगे बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या लिखा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जो करेंट ईयर में क्रेडिट होगा नेक्स्ट ईयर में डेबिट हो जाएगा, कहने मतलब सब्सक्रिप्शन क्रेडिट है तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाई कैरी डाउन करके आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, यही आइटम नेक्स्ट ईयर में क्या होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,30,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो तीनों आइटम हैं इनको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद जो 50,000 एडवांस है 50,000 एडवांस इधर आ जाएगा,
और उसके बाद करेंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का 130,000 था उस 130,000 में 1,00,000 मिलता है, तो 30,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर आ जाएगा। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो टोटल आ गया 52,25,000, और क्योंकि एडवांस प्रीवियस ईयर के 45,000 है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 52,25,000 में इन दोनों आइटम को ऐड करके माइनस करते हैं तो 50,45,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ये अकाउंट फॉर्म है। अगर आप चाहते हो स्टेटमेंट फॉर्म में करना तो आप इसको इधर देख सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा, आपको मिला कितना है सब्सक्रिप्शन 50,00,000 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 1,30,000, जिसमें आपका मिला कितना होगा प्रीवियस ईयर का 1,30,000 में 1,00,000 मिल गया तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रहा 30,000, जो कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि 1,30,000 में जब 1,00,000 मिल गया तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा 30,000, जो कि ऐड हो जाएगा। और उसके बाद करेंट प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होता है, ऐड होता है 45,000, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखो आउटस्टैंडिंग होगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल के लिए ओपनिंग, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग या फिर करेंट ईयर का ओपनिंग बोले दोनों का मतलब एक ही है, तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा माइनस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। एडवांस में रिवर्स हो जाओगे, एडवांस होगा ओपनिंग एडवांस होगा तो प्लस और क्लोजिंग एडवांस होगा तो माइनस, तो यहाँ पे ओपनिंग एडवांस कितना है 45,000, तो 45,000 क्या हो जाएगा ऐड, और जो क्लोजिंग एडवांस है उसको माइनस करेंगे। बट कब माइनस करते, जब हम तीनों आइटम को लेते। अब हमने इसमें क्या किया कि बस करंट ईयर का लिया 50,000 को, तो 50,00,000 यहाँ पे ले लिए प्लस प्रीवियस ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग 30,000, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1,30,000 में हमको यहाँ पे 1,00,000 मिल गया, तो प्रीवियस ईयर का भी 30,000 बचा और करेंट ईयर का भी 30,000, तो एक कैंसिल आउट हो जाएंगे टोटल, तो टोटल आपका कितना बचेगा 50,45,000, जो कि यहाँ पे आया, चाहे अकाउंट फॉर्म में बनाओ चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो कि तीनों आइटम को आप लिखोगे, 51,50,000 को लिखोगे यहाँ पे, 51,50,000 तीनों को लिखोगे, फिर आप क्या करना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देना 1,30,000, ये माइनस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंट ईयर का एडवांस माइनस हो जाएगा 50,000। और ध्यान रखना 1,30,000 में जब 1,00,000 रुपये मिला तो अभी भी एडवांस रह गया है, सॉरी आउटस्टैंडिंग रह गया है 30,000, वो ऐड हो जाएगा। आपको पता होगा यह प्लस माइनस करोगे तो ही 50,45,000 ही आएगा, ठीक है ना। तो अब चाहे अकाउंट फॉर्म में करो चाहे इस स्टेटमेंट फॉर्म में करो जो ओनली करेंट ईयर का डेटा लेकर करो, या फिर तीनों को अगर ऐड करके कर ले तो 51,50,000 से, तो ऐसे भी करोगे तो आपको तीनों केस में आंसर सेम आएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अब आगे के टॉपिक में हम लोग कोई सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि सर हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप कमेंट करें तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और हम लोग का एक और चैनल है साइंस नेशन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।